अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज मैं आपसे अंडा मकरोनी की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से जब आपको बनाकर खाते हैं घर में मौजूद चीज़ों से बन जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है। माशाल्लाह जी, पैन हम ऊपर रख लिया है, इसमें एक चम्मच नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। पानी हमने खुला रख लिया ऊपर, और इसके साथ ही एक चम्मच आयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। लेकिन माशाल्लाह जी, पानी में बॉईल आ चुका है, और अभी हमारे पास 1.5 कप मकरोनी है, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इनको हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। लेकिन माशाल्लाह जी, मकरोनियाँ गल चुकी हैं, देख सकते हैं। अभी हम इनका पानी निकाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेकिन माशाल्लाह जी, कढ़ाई हमने ऊपर रख ली है, और इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। ऑयल को आपने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। ले जी, ऑयल गर्म हो चुका है, इसके साथ ही 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ज़ीरे को आपने कड़कड़ा लेना है, 30 से 40 सेकेंड आपने इसको कड़कड़ा लेना है। लेकिन जी, ज़ीरे को हमने कड़कड़ा लिया, और इसके साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। एक मिनट के लिए हम अदरक लहसुन की स्मेल दूर कर लेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल दूर हो चुकी है, और अभी हमारे पास 3 टमाटर हैं, इनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। बिस्मिल्लाह, ये शामिल कर देंगे। और इसके साथ 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून थोड़ा पुदीना मिर्च शामिल कर देंगे, और अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, ताकि हमारे हर नए आने वीडियो आप तक पहुंच सके। रिश्तेदारों दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। लेने साथ ही हमारे पास 5 अंडे हैं, इनको हम फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाह। लेने माशाल्लाह जी, मसाले की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर दी है, अभी हम इसके साथ ही अंडे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। आहिस्ता से आपने इसमें चम्मच ला लेना है, उसके बाद 1 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है। नहीं जी, 1 मिनट हो चुका है। बिस्मिल्लाह रहमान। अभी हम इसमें से चम्मच ला लेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। नहीं जी, माशाल्लाह जी, अंडे को हमने अच्छे तरीके से पका लिया है, और अभी हम इसके साथ बंद गोभी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये छोटा सा हमारे पास एक टुकड़ा था बंद गोभी का, ये शामिल कर देंगे। बारीक बारीक इसको हमने काट लिया है, साथ में एक शिमला मिर्च की छोटे साइज की। बिस्मिल्लाह। इसके साथ हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच चिली सॉस शामिल कर देंगे, 1 चम्मच सिरका शामिल कर देंगे, 1 चम्मच सोया सॉस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ 3 से 4 सब्ज मिर्चें हैं, वो शामिल कर देंगे, और इनको हम सोते कर देंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त लुक बनी है। अभी जब हम इसमें मकरोनियाँ शामिल करेंगे, फिर आप देखेंगे माशाल्लाह जी कितने ज़बरदस्त तरीके से अंडा मकरोनी हमारी बनती है।
नहीं माशाल्लाह जी, इनको हमने सोते कर लिया अच्छे तरीके से। अभी हम इसमें मकरोनियाँ शामिल कर लेंगे। मकरोनियाँ शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देख रहे हैं माशाल्लाह जी, बहुत ही माशाल्लाह जी प्यारी खुशबू आ रही है। और लास्ट पे हम सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे खूबसूरती के लिए। बिस्मिल्लाह, इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी माशाल्लाह जी। ले जी माशाल्लाह जी, फाइनल हमारी अंडा मकरोनी रेडी हो चुकी है। अभी हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, सुभानअल्लाह जी, देखें जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त अंडा मकरोनी बनी है। आप लोगों ने भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।